जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार भट्ट और आप देख रहे हैं आरती पोर्टनाजी। आज योम तकदीर मनाया जा रहा है और यहाँ पे लिबर्टी पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यून की लेडीज भी मौजूद है। तो पूछे कि मैडम हाथ में आपने स्टिक पकड़ी है, कौन सी मैडम बन गई यहाँ पे आप? नहीं नहीं, हम मैडम नहीं बने, ये खवातीन ये बच्चियाँ ये हमारी जिम्मेदारी पे पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि इन्हें यहाँ पर मर्द हज़रात जो है वो इनकी तरफ ना आए। यू नो दैट कि कितना क्राउड हो गया, ठीक है? तो हम इनके इनको सपोर्ट करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाली हुई आपके साथ। आपको कुछ हो जाए उसकी है उनकी बात नहीं, ये हमारी बहने हैं, हम तो पार्टी के नाम पे पहले भी कुर्बान होने के लिए घर से निकले हुए हैं, ठीक है? ये मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है, इसलिए हम लोग घर से इस तरह भाई नहीं। इतनी मोहब्बत मियां साहब से? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत जी। ना जी, ये पीछे हवा तीन मौजूद है मैडम, इतने शेर शूट चीजें बना ली आपने, आपको वाइल्ड लाइफ से उठा के ले जाएंगे। कैसी है मैम? हम अपने कायद की क़यादत में आए हैं, हमें कोई नहीं उठा सकता। मैडम मियां साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है जनाब, की आज बता दीजिए जनाब की कोई जुल्म जबर जो है आप भी देख रही हैं, आप यहाँ पहुँच गई हैं। ये हमें विरासत में विरासत में मिली है कि मियाँ साहब और जनरेशन टू जनरेशन आपके अंदर आ रहे हैं, पहले आपके वालिद पसंद करते थे फिर आपको दादा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम क्या वजह थी मोहब्बत की, वजह क्या है मियाँ साहब से? मोहब्बत इसलिए है कि हमें नजर आता है कि भी जो भी काम हुए पाकिस्तान में उन्होंने के अलावा किसी ने भी, ठीक है? आज जो हम योम तकदीर मना रहे हैं किसकी वजह से मना रहे हैं? अपनी कायद की वजह से मना रहे हैं। उन्होंने थोड़ी बम बनाया, बम तो साइंटिस्ट ने बनाया, वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रूव किया। ओके ठीक है, मैडम आप खुद कढ़ाई गोश्त करने पर आती हैं तो आपको जो क्रेडिट मिला, जो आपका बंदा बेचारा बाहर से गोश्त लेके आता है, धनिया मिर्ची लेके आता है, उसको आपको क्रेडिट नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, न्यूज सभी ले रहे हैं हमारी, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? आपको जाएगा या आपके न्यूज चैनल को जाएगा? आपको जाएगा ना, नहीं नहीं वही बात थी ना, आपको ही जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जो वो हेड देते हैं ना पेन भी वही लेते हैं और क्रेडिट भी। मैडम जो एडमिन जो बम वाला बांधा था, जो वो तब थोड़ी बांधा था, वो तो तकरीबन कुछ 17-18 साल, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपने गो हेड दिया तो एडमिन ताकत बना ना पाकिस्तान, गो हेड दिया ना तो फिर उसको हम जश्न मना रहे हैं, बस दैट्स इट। जितने भी हुक्मरान आए हैं नवाज शरीफ के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैडम आप क्या समझती हैं कि हम सबको यकीन है, जैसे आपको यकीन है कि मियां साहब नो डाउट पावरफुल पॉलिटिशियन रह चुकी है, लेकिन आप क्या समझती हैं वो शख्स जिसपे एटमी मिसाइल करवाए हो, जिसने जनाब उसके 28 मई को तजर्बे करवाए हो, मुल्क को तजर्बे कर किया हो और उसको तीन दफा नहल कर दिया जाए, तो ये ज्यादती नहीं थी? इमरान हाँ तो आप पाया बेचारे को, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हो गया आपके मुताबिक, जुम्मा जुम्मा 8 दिन में वापस चला गया, उसको भी हमने पूरा नहीं होने दिया, उसने गलत किया हमारे साथ, अब वो भी यहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैडम आपके समझ, इससे पहले जो सियासतदान थे जिनके साथ मियां साहब की लगती थी, जिनके साथ उनका दुश्मनदारी थी बकायदा पॉलिटिक्स में, उनके साथ आज आप इकट्ठे बैठी हुई है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, कल को आप इमरान खान के साथ शामिल कर लेंगे तो ये क्या जाती है? सारे पीएमएलएन के हैं यहाँ पे, पीडीएम नहीं इकट्ठी हुई, सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुन है वो यहाँ पे आए हुए हैं सारे। मेरे को मियाँ साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके चाहने वाले कहते हैं उनके मुखालिफिन उनको टॉन करते हैं कि मियाँ साहब भी तो वापस नहीं आ रहे, सरकार भी जो है ना वो कर सकते हैं, इंशाल्लाह आएंगे वो हमारे दरमियान होंगे, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा हमारे दरमियान है, इसलिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। मैडम आपको यकीन है कि वो आने वाले वक्त में जनाब पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे, सब कुछ होगा? इंशाल्लाह। मैडम इकट्ठी बोलती हैं आप, ट्यून से हैं सर। मैडम इतना फिर मेरी बात सुने, मियां साहब इतने मकबूल है तो लोग उनको इतने पसंद क्यों नहीं करते? हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आधी आवाम जनाब कहती है जनाब मियां साहब, उनके वहां पे घर के बाहर एवर फील्ड के बाहर लोग चोर चोर के नारे लगा रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं लोगों को कुछ शौर दिया हुआ है, किसने बताया हुआ है? खरीदी पहले 50 करोड़ की, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम है, तो 15 करोड़ आवाम खरीदी हुई है। आप यहाँ पे खुशी भी आई है? कोई भी नहीं है, उसने नवाज शरीफ साहब को जो है उनके साथ गलत किया, बीबी मरियम के साथ गलत किया, उनकी बेटी को जेल में भिजवाया, उनके साथ बहुत गलत किया, जस्ट हम इसलिए बात कर रहे हैं, वो भी इंसान है, हम उनकी कोई मैंने अगर इमरान खान साहब पीडीएम में शामिल हो जाए फिर उनकी माफी हो जाएगी? इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे लीडर्स नहीं। मैडम लीडर्स तो बात की बात है, आपका दिल अगर इमरान खान के जनाब मुझे भी शामिल कर लो यार, तो फिर आपके समझते फिर मुल्क बेहतर हो जाएगा? जी नहीं, हम उनको शामिल ही नहीं करेंगे, वो आ नहीं सकते, अच्छा इनको पता है कि उन्होंने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं होने देंगे, नहीं है जी ना जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा तीन के जज्बात की किस तरह लीडर के लिए यहाँ पे आए हैं, पीएमएलएन के लिए अपने लीडर के लिए जान देने के लिए तैयार है वो, और उन्होंने ये कह दिया हम यहाँ पे हैं बगैर किसी बरियाने के लिए आई हैं, पता नहीं कहाँ यहाँ को पीछा शीजा मिलेगा शायद, तो हम आपको बकायदा अपडेट्स भी दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके लिए जाते हैं।